वीडियो देखें और जानें एडी और बीसी का प्रयोग। जब हम इतिहास विषय की किताब पढ़ते हैं तो कालखंड या घटनाक्रम या ऐतिहासिक कालखंड के सन के बाद या तो बीसी लिखा होता है या फिर एडी लिखा होता है। आज हम वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि एडी और बीसी क्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड लक्षित वर्ष को मान्यता प्रदान करता है, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजाइनेट ईयर्स के नाम से जानते हैं। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का वर्ष गणना है। भारतीय ऐतिहासिक गणना में ईसा पूर्व या ईस्वी के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। पहले हम जान लेते हैं कि ये एडी और बीसी का पूरा नाम क्या है। एडी का पूरा नाम है अन्नो डोमिनी। यह लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लॉर्ड के वर्ष में। उदाहरण के रूप में एडी 2014 को हम कह सकते हैं कि इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड 2014। बीसी का पूरा नाम को हम साधारण अर्थों में बिफोर क्राइस्ट या एडी को आफ्टर डेथ क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पूरा ऐतिहासिक कालखंड को, जिसमें से पूरा पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के कालखंड को सी या बीसी के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एडी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि एक प्रश्न पूछा जाता है कि बीसी की उत्पत्ति हुई या एडी की उत्पत्ति हुई, तो इसका सही आंसर है एडी की उत्पत्ति हुई है। एडी की उत्पत्ति किस तरह से हुई हम यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। मध्य युग में यूरोपियन स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत एस्टर बनाया जाना था। निक्सिया की प्रथम परिषद एडी 325 में यह निर्णय लिया गया था कि एस्टर पूर्णिमा के बाद रविवार को घटित होगा, जो बसंत विषु, जिसको आप लोग जो है स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद अनुसरण किया जाएगा। इसके बाद एडी की गणना की गई। आपको यहाँ पर जो एडी की उत्पत्ति हुई है, एस्टर मनाने के लिए इसकी उत्पत्ति की गई थी। इतिहास में ऐसा भी साक्ष्य मिलता है कि 525 एडी में साइया माइनर के डायनोसिसियस एक्जियस नामक एक भिक्षुक ने एडी प्रणाली की शुरुआत की थी। उस भिक्षुक का नाम था डायोनिसियस एक्जीवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चूंकि मसीह के जन्म से लेकर वर्षों तक गिनती की गई थी, इस भिक्षुक के द्वारा एडी प्रणाली के अंतर्गत मसीह के जन्म से लेकर वर्षों तक की गिनती इसी ने की थी। इसके अलावा इतिहास में अन्य साक्ष्य भी मिलता है। एडी यानी अन्नो डोमिनी का दूसरा पूरा नाम अन्नो डाइकोली टियानी भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि रोम के इंकानवा सम्राट का नाम भी अन्नो डोमिनी था। उस सम्राट के नाम पर ही जो है एडी का नाम रखा गया था। इस रोम शासक का कार्यकाल 284 से लेकर 305 एडी तक था। डायोनिसियस की ईस्टर तालिका में पहला वर्ष अन्नो डोमिनी 525 था, जबकि अन्नो डायक्लिनी का शासनकाल 247 ईस्वी था।
डायनोसियस ने अन्नो डोमिनी को उचित माना। डायनोसियस ने विशेष रूप से जो रोम के सम्राट अन्नो डोमिनी के यादों को दूर करने के लिए उन्होंने परिवर्तन किया, जो ईसाइयों के क्रूर सताए गए थे, अर्थात उस रोम के इंकानवा सम्राट अन्नो डोमिनी की याद को भूलने के लिए उन्होंने क्राइस्ट के जन्म तिथि की गणना प्रारंभ किया। डायनिलिसियस ने यह कभी नहीं कहा कि भगवान यीशु के जन्म तारीख को कैसे तय किया। डायनिसियस ने यीशु मसीह के जन्म के वर्ष को एडी 1 स्थापित करने का प्रयास किया। बाद में वैज्ञानिक गणना के बाद यीशु के जन्म 4 BC माना गया था। डायनिसियस के 200 वर्षों के बाद यीशु मसीह के जन्म वर्ष एडी 1 को मान्यता दी गई। एडी के पहले 1 BC आता है, न कि 0। 1 AD के पीछे चलने पर बढ़ता है, पीछे चलने पर बढ़ता है और पीछे के वर्षों से एडी की ओर आने से घटता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में 1 AD को स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में मानते हैं। जैसे ऋग्वेदिक काल को हम 1700 BC से लेकर 1000 BC तक की गणना करते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल को 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है, अर्थात 1700 BC से हम 1 AD की ओर आ रहे हैं, अतः घटते क्रम में होगा। एडी और बीसी का चलन 19वीं शताब्दी में हुआ। रोमन सम्राट शार्लेमेन ने पूरे विश्व में डेटिंग प्रणाली को अपनाने के बाद 19वीं शताब्दी में लोकप्रियता मिली। हालांकि इतिहासकार यह भी मानते हैं कि 15वीं शताब्दी के पश्चात पश्चिम यूरोप में एडी और बीसी का चलन हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत इस प्रणाली के समावेशन करने के जरूरत पड़ी। 1988 में ISO 8601 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है और आज भी इसी स्वरूप को हम स्वीकार करते हैं। कॉमन एंड वुलगर के अंतर्गत वुलगर एरा के नाम से भी एक इतिहास में हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। कॉमन एंड वुलगर एरा, जिसे अशिष्ट युग भी कहा जाता है, यह भी इतिहास में उल्लेख है। वुलगर का अर्थ होता है अशिष्ट और वुलगर एरा शब्द भी बहुत पुराना है। सबसे पहले जोहान्स केपलर द्वारा 1615 में एक पुस्तक में लिखा गया था। वुलगर एरा का प्रयोग तारे मंडल की गणना के लिए किया जाता है। यदि हम हिंदी में एडी और बीसी को जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बीसी को ईसा पूर्व कहते हैं और एडी को ईस्वी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, ये ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो कल्पित है पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, जिसे बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस के नाम से जानते हैं, और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व
महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी या सन कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में ईस्वी लिखा जाता है या ईस्वी को लैटिन भाषा में एडी भी लिखा जाता है, अर्थात एडी यानी अन्नो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इस वीडियो को आपने देखा, यदि आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको सेंड करें ताकि उन्हें भी ये प्राचीन इतिहास की जो कोडिंग सिस्टम है, डेटिंग सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में वो जान सके और वह गलती न करे कि एडी कब लिखा जाए या बीसी कब लिखा जाए, या इतिहास में जो बीसी या एडी का उल्लेख हुआ हुआ है तब गणना करते समय उन्हें यह लाभ पहुंचेगा और कभी गलती करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। हम विश्वास करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हम अगली बार कोई नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए। आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।